गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हमने पिछले एक सप्ताह तक इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, इस अवसर पे हमने पूरे एक सप्ताह तक सारे एंटी ड्रग्स जितने भी कार्यक्रम किए उसके बारे में आपको ब्रीफली बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि कल हमने ड्रग डिस्पोजल का काम शुरू किया, जिसमें हमारे यहाँ ड्रग डिस्पोजल कमेटी बनी हुई है कंपिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से, जिसमें DIG लॉ एंड ऑर्डर वर्षा शर्मा मैम, मैं खुद, SP हेडक्वार्टर मोहम्मद इरशाद हैदर साहब मौजूद थे, तीनों मेंबर्स मौजूद थे। और इसमें हमने रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन किया है ड्रग्स का, जिसमें कोर्ट से ऑलरेडी परमिशन ऑब्टेन कर लिया गया था। तो इसमें जो ड्रग्स डिस्ट्रॉय किया गया उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 475 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है, जिसमें मेजर कंटेंट था मेथ का, 238.41 kg मेथ डिस्ट्रॉय किया गया। इसके साथ इसमें 70 kg के करीब गांजा और 1.60 कोकीन भी था। आपको याद होगा ये कार्यक्रम हमने कल किया, जिसकी मैं बता रहा हूँ कि ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। और इसके आज से 3 महीने पहले अप्रैल के तीसरे सप्ताह में भी हमने 77 kg मेथ और 79 kg गांजा विथ अदर ड्रग्स यहीं जीवी पंत हॉस्पिटल में जो इंसिनरेटर है उसमें डिस्ट्रॉय करवाया था। और इसमें यही कमेटी जो ड्रग डिस्पोजल कमेटी है उसने ये इस काम को अंजाम दिया था। तब भी आप लोग आए थे और अभी इस कार्यक्रम में भी आप शामिल हुए। तो ये एक तरह से ये एक रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग्स है। और यहाँ पे अंडमान के युवाओं को या जितने भी लोग हैं उनको एक इस तरह का मैसेज जाता है कि अंडमान पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ड्रग के ख़िलाफ़ अपने कदमों को लिए जाने को लेकर, मतलब इनिशियल डिटेक्शन से लेके केस का रजिस्ट्रेशन, अरेस्ट, अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद जजमेंट, और साथ में जो सीजर हुआ ड्रग्स का उसका डिस्पोजल, कि उसको हम लीगली सबके सामने एक वैलिड तरीके से हमने उसको डिस्ट्रॉय करवाया। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस सारे प्रोग्राम का जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसका हमने वीडियो भी करवाया, किसी भी चीज़ का वेट कितना आ रहा है बाकायदा वेट लेके प्रॉपरली सीजर मेमो के हिसाब से किया। इसके अलावा इस सप्ताह में हमने कई और अवेयरनेस के भी प्रोग्राम किए, जिसमें हमारी टीम्स जाकर अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके अवेयरनेस से रिलेटेड जितने प्रोग्राम हैं और पब्लिक के लिए भी जितने प्रोग्राम हैं उसमें ये ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें पब्लिक के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 21 जून को IG मैम श्रीमती सिंधु पिल्लो मैम ने एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रमोशनल बस, इसको फ्लैग ऑफ किया था 21 तारीख को पुलिस हेडक्वार्टर से, जो कि लगातार यहाँ के पब्लिक के एरियाज़ में घूमती रही और जिसमें कि कई एंटी ड्रग्स पोस्टर, वीडियोस, स्ट्रीट प्ले करने वाले पुलिस इंटरटेनमेंट टीम जो कि कई तरह के इस तरह के स्ट्रीट प्ले भी करती है, जिससे ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक संदेश जाता है, उन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ पे मरीना पार्क, मोहनपुरा, STS बस स्टैंड, डिलानीपुर, बातू बस्ती, गारा चरमा, सिप्पी घाट, छोलदारी, इस तरह के एरियाज़ में की। इसके अलावा कल ही 26 तारीख को IG मैम श्रीमती सिंधु पिल्ले मैम ने हमें प्लेज भी एडमिनिस्टर करवाया, जिसमें सारे SPs, DIGs, SDPO, SHO अंडमान निकोबार पुलिस के सब ने पार्टिसिपेट किया और ये प्लेज ड्रग्स के अगेंस्ट लिया। साथ ही हमारी नारकोटिक्स की टीम कल इस विशेष अवसर पे कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी गई थी, जहाँ पे इन्होंने अपना एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया। तो वहाँ पे साथ में कोस्ट गार्ड पर्सनल के साथ एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन हुआ और हमने इस विषय में अपने आइडियाज़ भी एक्सचेंज किए कि हम कैसे ड्रग्स के खिलाफ और काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम, आपने देखा होगा कि इस पूरे साल हम पूरी तरह से ड्रग्स के खिलाफ प्रतिबद्ध हैं और इस वीक में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं और उम्मीद है कि हम आगे भी आपके सहयोग से ऐसे कदम उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।